आपका नाम क्या है? मृत्युंजय सिंह। मैं एसके चोपड़ा। आरसी शर्मा है। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से। मैं दिल्ली से हूँ। लोग नजफगढ़ से। 1975 में 25 जून को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू किया था। आज के दिन पूरा 44 हो गया, मतलब कल 44 ईयर हो गया। तो आप उस काले दिन के बारे में क्या कहना चाहोगे? काले के दिन में मतलब जो भी है, देखो वैसे वो बड़ा नाइटमैरिश था, वो जो उसने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी बहुत नाइटमैरिश था। और उनके उस दिन उस टाइम क्या लोगों को काला पानी और पता नहीं कहाँ कहाँ, खास तौर से बीजेपी और जो बीजेपी तो नहीं जनसंघ पार्टी होती थी, उनको सबको ऐसी ऐसी जगह भेज दिया उन्होंने, जेल में बंद कर दिया कि पता ही नहीं था उनको, ट्रेसेबल भी नहीं थे कहाँ तक कहाँ पर है वो। किसी को काला पानी भेज दिया, किसी को मीसा की सजा हो गई, कुछ हो गई। तो मतलब काले दिन तो यही है कि उनके लिए बहुत बुरा हुआ। और फिर उनको जो है ना रिलीज जो किया उनको, वो किया 77 में, 2 साल तक कोई आता पता नहीं किसी को। और जब उनको रिलीज़ किया, किसी को कहीं जंगलों में छोड़ दिया, अटल जी को कहाँ छोड़ दिया और अडवाणी जी को कहीं और छोड़ दिया, कोई कन्वेंस नहीं कुछ नहीं, ऐसा ये हाल। तो ये काले दिन तो यही है। वो एमरजेंसी जो है इंदिरा गांधी ने अपनी गद्दी को बचाने के लिए की थी, ये किस्सा कुर्सी का था। क्योंकि जगमोहन लाल सिन्हा जो जज होते थे, उन्होंने इसके खिलाफ वो फैसला दिया था। ये इन्होंने कुछ मतलब जो 1971 में लक्ष्मण थे ना, उसी केस में राजनारायण के इनके खिलाफ अर्जी वो कोर्ट केस डाला था, उसमें वो हार गई थी। तो उसको बचाने के लिए उनको इस्तीफा देना पड़ता, तो इस्तीफा ना देना पड़े तो उसने जो है ना वो एमरजेंसी लगा दी। और सारे जो है ना वो जितने रातों रात जो है ना वो जितने विपक्षी नेता थे सबको बंद कर दिया, और मौलिक अधिकार एक तरह से ख़त्म ही कर दिया। जनता बोल नहीं सकती थी, एमरजेंसी लगा दी, प्रेस सेंसरशिप हो गई, और बिना किसी वजह के जेलों में ठूंस दिया गया। तो जनता मतलब बोल नहीं पाती थी। उसने ये सिर्फ अपनी गद्दी बचाने के लिए किया उसने, कि उस समय जो था इतना विकसित नहीं थे, इतना जागरूक लोग नहीं थे। और उस समय कोई भी जब प्रधानमंत्री या राजा जो होते हैं ना, वो चाहते कि हमारी हुकूमत चले। और वो अपनी हुकूमत में देखे थे कि बहुत जागरूक उस समय, जैसे जेपी आंदोलन थे, अटल बिहारी जी थे, बहुत सारे तमाम नेता थे, वो जागरूक थे। तो उनको दबाया गया, और दबाने के ही कारण वो इमरजेंसी लागू किए। और जिसमें उनका जो इंदिरा गांधी के बेटे जो थे संजय गांधी जी, वो भी चाह रहे थे कि हमारा कोई विरोध ना करें। तो इसीलिए वो अपनी व्यक्तिगत नसबंदी कॉलोनियों के अंदर, चाहे और भी जिस इलाके में जा के करवाए थे, वो चाह रहे थे कि जो हम कहें वही हो। तो उनका तो विरोध होना चाहिए। इंदिरा गांधी की तानाशाही की वजह से देश में बहुत सारा नुकसान हुआ था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तानाशाही की वजह से देखो जो नुकसान तो हुए, कुछ जो इनोसेंट लोग थे वो भी अंदर हो गए, और कुछ जैसे कि किसी मतलब इमरजेंसी इतनी हो गई कि 4 बंदे आपस में बात कर रहे हैं, इवन कुछ प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ बोल देता है, चाहे वो ठीक बोल रहा है, तो उसको उठा के अंदर कर देते हैं। इवन इंदिरा गांधी जी का नाम अगर वो किसी अपने बच्चे के बारे में यूज़ कर रहा है, यार इंदिरा ने वो कह दिया और इंदिरा ने ये कह दिया, तो उस बात पे भी उसको बंद कर देते थे। क्योंकि अब इंदिरा गांधी नाम था और इमरजेंसी लगी थी, पुलिस वाले भी मतलब उन्होंने भी काफ़ी जो है ना, पुलिस वालों ने उस टाइम अंडी एडवांटेज बहुत लिया लोगों को बंद करके। और काफ़ी ये था कि उन दिनों में थोड़ा सा ये भी था कि एक स्टरलाइजेशन का भी वो चल रहा था, नसबंदी का, और काफ़ी मकान भी गिराए गए, काफ़ी कुछ हुआ लोगों को। और जो नसबंदी का था लोगों को, मतलब ऐसा है कि जो यंग थे, जो मैरिड नहीं थे, अनमैरिड थे, उनको भी उठा के बंद कर दिया और स्टरलाइजेशन कर दी। कि ये इमरजेंसी का जो काले दिन के ये पार्ट है। देखिए उस समय इतना मीडिया इतना जागरूक नहीं थे, उस समय कृषि प्रधान देश था, लेकिन अब क्या है कि व्यापारी प्रधान हो गए, उसके बाद उद्योगपति जैसे व्यापारी भी आते हैं, उसके बाद जॉब भी हो गया, तरह तरह डिपार्टमेंट खुल गए, तो हर आदमी अब खेती पे निर्भर नहीं है। उस समय क्या था कि खेती पे निर्भर थे, और बहुत 10% व्यापार था, और बहुत तो जॉब भी कम थी। इसलिए उस समय राजा महाराजा, इंदिरा गांधी तो राजा महाराजे थे, तो पब्लिक को तो नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन अब उस समय वाली जनता नहीं है, अब अगर कोई भी सरकार अगर करते हैं तो इतना नुकसान नहीं होगा। इंदिरा गांधी की तानाशाही की वजह से देश की विदेशों में इमेज, उसकी प्रतिष्ठा खत्म कम हुई, लोग बोल नहीं पाते थे, अपनी आवाज़ जो है ना वो लोगों की आवाज़ दबा दी गई, और बाहर से जो मदद आती थी
क्योंकि उसमें इंडिया का इतना प्रोडक्शन नहीं था, बाहर से मदद जो थी, बड़े बड़े जो कंट्री थे उन्होंने मदद बंद कर दी, इंडिया जो है ना वो मतलब आर्थिक स्थिति जो है ख़राब होने लगी और प्रोडक्शन घटने लगा, और जो तानाशाही जो नौकरशाही थी वो और ज़्यादा हाव हो गई, पुलिस की जातियाँ बढ़ी, तो ये जो है ना जनता का ज़्यादा नुकसान हुआ। बाकी राजनीतिकों का जो विपक्ष में थे उनका तो नुकसान हुआ, जो सत्ता पक्ष के थे उनकी तो चांदी हो गई। संजय गांधी ने बहुत से युवा लोगों की नसबंदी करा दिया था, तो और लोगों के घर घर जाके उनको टीके लगवाए गए थे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसमें ऐसा था कि संजय गांधी ने जो नीचे का जो स्टाफ था, जैसे डॉक्टर कह लो या ब्यूरोक्रेसी कह लो, उनको टारगेट दिया हुआ था, जो उस टारगेट को पूरा करने के लिए जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो वर्क फोर्स थी, उन्होंने ऐसा किया, और उसके पीछे जो है ना वो राजनीति का हाथ था, पुलिस का पूरा सपोर्ट था, तो लोग उनके खिलाफ बोलते नहीं थे, तो अपने टारगेट पूरा करने के लिए उन्होंने ऐसा किया, उनको टारगेट दिए होते कि अपने ये टारगेट पूरा करना। क्या आपको लगता है कि इंदिरा गांधी ने अपने घोटालों को छुपाने के लिए इमरजेंसी लगाई, और उसके उस समय क्या असर हुआ था? उनके राज में इतना कोई मतलब बड़ा घोटाला तो नहीं हुआ था, लेकिन अपनी सत्ता को बचाने के लिए, क्योंकि वो सत्ता से बेदखल हुई थी, उसको इस्तीफा देना पड़ता था, दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने ना बने, तो उसको ये भी मतलब डर था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँ भी ना भी बनूँ, और एक दफ़ा एग्जाम दे दिए तो दोबारा आऊँ, तो उसको बचाने के लिए, अपनी गद्दी को बचाने के लिए उसने ऐसा किया। ऐसा तो कुछ नहीं है, घोटाले वोटाले छुपाने के लिए तो कुछ नहीं है, बाकी ये है कि वो केस एक हार गई थी और उसको प्राइम मिनिस्टर सीट से रिज़ाइन देना पड़ता, इसी वजह से उन्हें फटाफट इमरजेंसी लगा दी, क्योंकि राजनारायण जी ने केस डाला हुआ था, इस वजह से उन्होंने जो है ना ये इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, ताकि किसी को कोई उस पर पॉइंट आउट ना कर सके, और इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी तो फिर तो किसी ने क्या कहना था, सीधा जेल ही जाना था, उनके अगेंस्ट में कुछ बोलता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी क्या घोटाला के लिए नोटबंदी की, तो ऐसा नहीं मानता हूँ मैं, ये तो उनकी एक बड़प्पन होता है कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, लेकिन जनता उस समय इतना जागरूक नहीं था जिसको जेल में जाना पड़ा, अगर आज कोई नेता जेल में जाते पूरा देश की पूरा दुनिया में फैल जाता है, उस समय पता नहीं चलता था, सिर्फ पेपर में दो दिन चार दिन, उस समय सेना भी शहीद होते थे तो एक सप्ताह में पता चलता था, आज तो खरोंच भी शरीर में लग गया तो सबको पता चल जाता है, तो अब इतना तनाव नहीं है, इतना शोषण नहीं हो रहा जो उस समय शोषण था। उस समय केवल आरएसएस एक ऐसी संस्था थी जो इन सब के सब चीज़ों के खिलाफ खड़ी हुई, तो आपको क्या लगता है कि गांधी परिवार आरएसएस से इसका बदला अभी तक ले रही है? गांधी परिवार आरएसएस से बदला, देखो जी ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो ले रही है, अब तो पार्टियाँ, उस टाइम आरएसएस थी, जनसंघ का पार्ट थी आरएसएस, अब भारतीय जनता पार्टी बन गया, ऐसा कुछ नहीं है कि बदला ले रही है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, अब तो जो भी पार्टी है बस सारी पार्टियां एक दूसरे से बदला लेने में लगी हुई है, एक्सेप्ट बीजेपी, बीजेपी के अलावा बाकी सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। हाँ, जो आरएसएस थी उसने जो ना विरोध किया था इमरजेंसी का, और कांग्रेस का यह मानना है कि जो है ना वो आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या की है, जो कोर्ट में भी जो है ना वो आरएसएस को बेदाग जो है ना वो बरी कर दिया है, लेकिन उसके बाद ही जो है ना कांग्रेसी नेताओं का जो है ना वो मानसिकता नहीं बदली, और वो जो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, जहां उनको लगता है कि हम राजनीति में फेल हो रहे हैं, राजनीति की में कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो उसको पूरा करने के लिए वो आरएसएस का सहारा लेते थे, और आरएसएस वाकई एक हिंदूवादी पार्टी है, और हिंदू की व्याख्या जो है सुप्रीम कोर्ट भी कर सका, हिंदू एक सांप्रदायिक नहीं है, हिंदू वो है जो ईश्वर को पूजता है वो भी हिंदू है, जो ईश्वर को नहीं पूजता वो भी हिंदू है, हिंदू एक जीने की कला है ना कि एक सांप्रदायिक है जैसे बाकी के धर्म है।